सीरीज लॉन्च हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम अब्दुल्ला है और आपकी खिदमत में दबा फिर जा चुके हैं। तो आज का व्लॉग जो है कहीं घूमने फिरने का नहीं है, कोई खाने पीने का नहीं है, कोई फार्म हाउस का नहीं है। तो आज का व्लॉग जो है वो शहर कराची के मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का है। यानी कि जैसे कि आप और मेरे इल्म में है कि इस वक्त कराची इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। तो इलेक्शन भी बहुत करीब है, तो आप जिसको वोट देंगे तो बस एक छोटा सा मैसेज है कि सोच समझ के दिएगा कि आपका जो नुमाइंदा है वो आपकी अकासी करेगा, वही आपके जो है मसाइल हल करेगा। तो क्या वो इस लाइक है? तो आज का व्लॉग जो है वो इस हवाले से ही है, क्योंकि आज हम एक ऐसे गेस्ट से मिले हैं जिन्होंने इस शहर कराची के लिए बहुत कुछ करा है, और उनसे जो है हम सवाल भी करेंगे, भाई ये इस सवाल का जवाब क्या है, ये जो यूथ के दिमाग में सवाल घूम रहा है इसका असल जो है मतलब जवाब क्या, और वो क्या चीज़ें हैं जिससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज ऐसे गेस्ट से मिलने वाले हम, तो हमने जो है सवाल दिमाग में बैठा लिए, तो अब चलते हैं उस गेस्ट से मिलने और सीन दिखाते हैं आपको। ब्लॉग में बचा रहेगा ना यहाँ थोड़ी, चलो। हाँ, तो भाई हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और अभी अंदर चलते हैं। जिन्होंने हमें इनवाइट करा है अपने प्रोग्राम के लिए, तो वो प्रोग्राम भी आपको दिखाते हैं, तो चलो। जो है वो आएगी और यहाँ पर अभी सेटअप लग रहा है, तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं ऐसा ऐसा सीन। जी हाँ, तो भाई अभी हमें स्टूडियो में मौजूद है अपने, और यहाँ पर जो है मंसूर भाई ने बुलाया, उनका कोई प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है वो एक मेहमान आएंगे, वो मेहमान जो है वो आपको बताएंगे जब वो आ जाएंगे, उन्हीं का वेट हो रहा है। तो आवाम जमा है और सब जो है अपने दिमाग में सवाल लेके बैठे हैं, क्योंकि कराची के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ एक के पास है। किसके पास? हल सिर्फ जमात इस्लामी। हाँ, तो अब हल जो है वो जमात इस्लामी के पास है। तो वो चीफ गेस्ट, अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन है, तो जब वो आ जाएँ तो हम दिखाते हैं। अच्छा, सेटअप दिखाते हैं आपको बड़ा। तो भाई यही ऑफिस में रहमान है और यही जो है वो हमारे आज के गेस्ट हैं, और हम यूथ वाले जो हैं आज जमा है ताकि इनसे सवाल करें कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पॉडकास्ट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए। नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अब्दुल्ला है और मैं अभी रिसेंटली जो है वो कॉलेज से फारिग हुआ हूँ, और मेरा ये सवाल था हाफिज़ा आपसे कि हम कराची में रहते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिसके अंदर जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कराची से जो है वो इंटर का स्टूडेंट 60-70 हज़ार की तादाद में जो निकलता है, लेकिन आगे सीटें जो हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि 1500-2000 सीटें हैं। तो जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिशन में बहुत आ जाते हैं, तो इस वजह से जो है बहुत बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट की वो निकल जाती है, वो पढ़ नहीं सकती तो वो काम करने शुरू हो जाते हैं। तो आपका इसके हवाले से क्या मतलब कह रहे हैं? तो आज का ये एपिसोड था हमारा हाफिज़ साहब के साथ, और काफ़ी मज़ा आया, सबने सवाल करे और हाफिज़ साहब ने जो है जवाब भी दिए। तो देखिएगा, आप मानी भाई के चैनल पर आएगा ये, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा एक पॉडकास्ट था ये, और डिफरेंट किस्म का था, बाकी जो आप पॉडकास्ट देख रहे थे वो एक सेम किस्म के थे, तो इसमें ज़रा आवाम ने और यूथ ने जो सवाल करे ना ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो भाई हमारे साथ वानी भाई मौजूद हैं और ये यूट्यूबर हैं, और आप जानते होंगे काफ़ी सालों से इनको कराची वाइज में भी देख रहे हैं आप, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको हाफिज़ साहब से जो है बात करके कैसा लगा, मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी? या देखिए, अखलाक की अगर बात की जाए ना, तो जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं अगर अखलाक उनका अच्छा है तो मेरे दिल में उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, और सिर्फ हाफिज़ साहब नहीं, दूसरे भी जो मामलात हैं, दूसरे भी जो और लोग हैं उनके लिए भी मेरी सेम रिस्पेक्ट है, जब तक मुझे लग रहा होता है कि यार हाँ, अगर हाफिज़ साहब की बात करें तो जेन्युइनली यार मैं ये समझता हूँ कि डिज़र्विंग है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का गलत भी हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ डिज़र्विंग है, मौका देना चाहिए। और पिछले कितने सालों से जो दूसरी हुकूमतें थी उसको देखा जाए उनकी कारकर्दगी में, तो अब मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, और फिर ये होगा कि जब मौका मिलेगा उसके बाद डिलीवर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर पब्लिक को पता ही है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यार डिज़र्विंग पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने टाइम दिया।
चलिए भाई अब आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो जज़ाकअल्लाह आपने जो है उतना टाइम लगा के मेरा व्लॉग देखा, तो बस एक छोटा सा मैसेज देना था आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कराची के मसाइल हल हो जाएँ तो उसके लिए जो है वो एक ऐसा नुमाइंदा चुनिए जो कि आपको लगता है यार ये डिज़र्व करता है, ये हमारे जो मसाइल हैं इसको सॉल्व कर सकता है। तो एक न्यूट्रल होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को अभी फिलहाल नहीं ला रहा बीच में कि कौन अच्छी कौन बुरी है। तो ये आप कुछ जानते हैं समझते हैं एज अ शऊर वाला शख्स आप समझ सकते हो। तो बस यही था आज का पैगाम और पॉडकास्ट जो है वो मानी भाई के चैनल पे आएगी तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई मेरी एक सीरीज लॉन्च हो रही है जिसका नाम है मैं कराची और खाने, तो बस फिर मज़ा आने वाला है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना ताकि वो सीरीज़ जो है ना वो अब तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो मिलते हैं उस सीरीज़ में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।